हेलो नमस्कार। आज हम बनाएंगे कटमा भिंडी। इसके लिए हमें चाहिए लोहे की कढ़ाई, और ज़्यादा तेल नहीं है, ये थोड़ा ही तेल है, छोटा बड़ा चम्मच है ये। 50 ग्राम ऑयल होगा। इसके लिए हमें चाहिए प्याज है, हरी मिर्ची है, टमाटर है और भिंडी है। ये छोटा छोटा काट लिया है मैंने, आप चाहे तो बड़ा काट लें। ये मैंने हींग डाला है और हरी मिर्ची डाली है और ये प्याज डाल दिया। अब इसको 1 मिनट ही करना है, प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है। बस ऑयल में डाला और फिर भिंडी डाल दी। ये देखिए भिंडी डाल दी मैंने। अब इसको 2-3 मिनट ही फ्राई करेंगे हम। अब इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी मैंने बहुत ही थोड़ी डाली है, 4 पिंच होगी, और ये नमक डाल दिया। और इसको मिला के इसको अच्छे से मिला लिया, और स्लो, एक बार तेज़ है ये गैस, अभी स्लो कर दिया मैंने, ढक्कन लगा दिया। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 1 चुल्लू पानी होगा बस, थोड़ा सा, चुल्लू में जो आता है ना उतना ही पानी है। अब ये है ना, 3 मिनट के बाद है ना मैंने खोला, देखिए स्टीम में ये गल गई हैं भिंडियाँ, मतलब पक गई हैं, स्टीम लग गई है उनको। पानी मैंने अंदर से नहीं डाला है, आपने देखा ना मैंने थाली के ऊपर डाला है। हाँ, अभी ये हो गई हैं, अभी ये बिल्कुल गल गई हैं भिंडियाँ। देखो इसमें लेस नहीं निकला है ना, इसलिए लेस नहीं निकला क्योंकि मैंने थाली के ऊपर पानी डाला था। अभी मैंने टमाटर डाल दिए, 2 टमाटर साइड में रख दिए हैं बस, खाली वो ढक के रख दिया। इसमें स्टीम हो गई है टमाटरों में, अब इसको मिला लीजिए। अब इसको मिला लें, देखो भिंडी का कलर हमारा ख़राब नहीं हुआ है, हरा ही है। और एक बार इसको ढक के रख दीजिए और गैस अभी तेज़ कर दीजिए फ्लेम, क्योंकि जो टमाटर का पानी है ना हमें वो भी सुखाना है। तेज़ तेज़ फ्लेम होनी चाहिए इस टाइम। ये इसका पानी उड़ रहा है। अभी मैंने आधी स्पून है ना धनिया पाउडर डाला है। हम लाल मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। ये देखिए, और ये हमारी भिंडी बनके 7 मिनट में तैयार हो गई। ये देखिए इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है, और हमने लोहे की कढ़ाई में बनाई है। ये देखिए इसका कलर, टेक्सचर, ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी है, बच्चे भी बहुत आसानी से खाएंगे। और ये मिर्ची तीखा वाला है, 4-5 मिर्ची डाली है मैंने, लाल मिर्ची हम नहीं डालेंगे। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसका कलर टेक्सचर देखिए आप। ये देखिए सब लोग बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। और ये धनिया से गार्निश कर दीजिए। ये मैंने धनिया डाल दिया है। ये देखिए कितनी कितनी अच्छी बनी हुई है भिंडी। वीडियो पसंद आया तो